75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है, इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है, बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। नो, आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। इज इट योर बर्थडे टुडे? नो, आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। इट्स अ स्पेशल डे बिकॉज इट इज अ डे ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज अ डे ऑफ पीपल टू कम आउट एंड शो देयर लाइक एंड डिसलाइक इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग, दैट इन दैट वे इट इज वेरी स्पेशल। सर मैडम जरा हटाओ, मैडम माइक। थैंक यू सर। हैदराबाद में पिछले 2019 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बड़ा चैलेंज है। मेरी तमाम वोटर से इलेक्टोरेट से टच मत करो कैमरा, मेरी दरबंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, हमारा रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज़्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। आपको क्या लगता है कि माधवी लता कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है? क्या है, किन मुद्दों पर लोगों को निकल कर वोट करना चाहिए? काफी हमने देखा, काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, काफी कमने भी हुआ। नहीं, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ सुनी जाए और गरीबों के से इंसाफ हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, आप सब लोग, आपके दिलों में एक सेफ्टी का एहसास पैदा हो जाए, तो अपने वोट का इस्तेमाल करें। 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है, इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है, बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं करता। मोटे को, पतले को वोट करो, क्या इशारा है, क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आप देखिए, कोई क्या बोलना चाहिए कि इस तरह का रिमार्क नहीं है। नहीं आप सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद हैं उनको वोट दीजिए, इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रॉल करना शुरू कर दिए ओएसी। अरे भाई सब चीज है ना भाई, आप अपने लीडर को बोलते चप्पल इसका, हम बोल रहे मोटा है,
मोटे को कामयाब करो, हम बोल रहे हैं दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो, तो इसमें बुरी बात 400 पार तो नारा अभी भी आपको लगता है सर पॉसिबल है 400 पार? ये 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 रहे, तो ये मैसेज जा चुका है। नो, आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी दैट यू नो अल्लाह सुभाना व तआला एंड माय मदर गिव बर्थ टू मी एंड आई वाज बोर्न टू दिस टू you know my parents, my late father, my mother, you know, I'm extremely grateful to them. Whatever I am in this world is because of their blessings, because of their teaching. There's a poster that says give a vote to OAC on his birthday today. No, not at all. You have to vote not for an individual. See, the whole understanding of you and the message of anyone going on to vote is forget about individuals, forget about all this cult following. The country is bigger than any individual. Don't vote for an individual. Vote for the country. Vote for a party. How are you celebrating your birthday today? No, I don't. No. Nabila, understand. I have never celebrated my birthday. Okay. I have never. It's a special day. No, nothing. Normal day. What is that? It's a special day because it is a day of democracy. It is a day of people to come out and show their like and dislike in the form of voting. That in that way it is very special. Asir ji, आज तेलंगाना के चुनाव के दिन कितना अहम हो जाता है जब हम देखते हैं कि दो बड़ी पार्टियां देश की उनके बीच पर टक्कर दिख रही है, रीजनल पार्टी बीआरएस कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, आप सिर्फ एक ही जगह से लड़ रहे हैं, कैसा इसको कैसे समझे आप? एक तो हम लड़े हैं मगर हर एक की जबान हमारे पे इस्तेमाल हो रही है, हर एक की दांत में हम आ चुके हैं, तो एक लड़ जरूर है पर जो भी आ रहा है हमको ही बोल रहा है ना रीजनल पार्टी नहीं। अब नहीं देखिए मैडम, अब आप उसमें मत ले जाइए, मैं उस पर दफा नहीं करने वाला हूँ, कहाँ ले जा रहे हो जवाब। इस बार जो है क्या कह सकते हैं कि ये चुनाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और मेहनत वाला भी रहा क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग दिख रहा है? हर इलेक्शन में मेहनत करना पड़ता है लेकिन ये बार ज्यादा चेहरे, ये बार से क्या मतलब, ये बार हुआ है। देखिए मैं 94 का जब इलेक्शन लड़ा था उस वक्त मेरी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस वक्त के आंध्र प्रदेश में और फिफ्थ लार्जेस्ट थी कंट्री में। मैं अकेला एमएलए था, मेरे पार्टी से मैं ही जीता था। उसके बाद 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, एक एमएलए से हम पार्लियामेंट इलेक्शन जीते और वेंकैया नायडू साहब को हराए। 98 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, मैं अकेला एमएलए था पार्टी से, हम लोग जीते अल्हम्दुलिल्लाह। 99 में फिर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, फिर हमारी पार्टी जीती, फिर 2004 में मैं कैंडिडेट बना, 2009 में बना। तो हर इलेक्शन होता है, कोई इलेक्शन आसान नहीं होता है। तो अगर ये बोला कि ये वो भाई आपका वो ये इलेक्शन है वैसा है, तो इलेक्शन है चाहे किसी का भी इलेक्शन हो, सबको मेहनत करना पड़ता है और कितने 17 लाख के करीब वोटर गए, उसमें सब कोशिश करना पड़ता है कि आप मैसेज जाए उनको दिए बात करें। और हमारा काम है ना, 5 साल से कोविड में कोई नजर नहीं आया, अच्छे बुरे वक्त में कोई नजर नहीं आया, तो हमारा काम है और हमको अल्लाह की जात पे पूरा कामिल यकीन है, अवाम पे यकीन है और इंशाल्लाह हम लोग पहले से ज्यादा भारी एक्सरसाइज से कामयाब होंगे। इस बार विकास बस आप बस। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उमरा का फरीजा अदा कीजिए अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में खयाम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज्यारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अलहीन ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा, अलहीन के साथ उमरा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उमरा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीजा और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर बाबू खान स्टेट बशीरबाग हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।